लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर में। दोस्तों मैं हूं शत्रुघ्न यादव। दोस्तों इस वीडियो में मैथ का जो चैप्टर है दशमलव भिन्न का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद जो है उसका टाइप वाइज वीडियो आएगा, यानी टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, ये जो है अलग से वीडियो मैं क्वेश्चन वाइज लाऊंगा, जैसे मैं पहले से लाता रहा हूं, पहले से जो है आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं रेलवे NTPC और ग्रुप डी के लिए स्पेशल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाला है और पिछले वर्षों में पूछा भी गया है। तो इस वीडियो में आपको दशमलव भिन्न का बेसिक कंसेप्ट पहले मिलेगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन वाली वीडियो आगे आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दशमलव भिन्न को बेसिक नॉलेज के बारे में समझने के लिए सबसे पहले दशमलव भिन्न को जो है जोड़ घटाव गुणा भाग समझना चाहिए, है ना। जैसे कि सबसे पहले सीखेंगे दशमलव भिन्न का गुणा। पहले गुणा सीखते हैं, उसके बाद जोड़ घटाव भाग सीखेंगे। गुणा इंटरेस्टेड है? देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि 0.1 को यदि आप 1 से गुना करोगे तो 0.1 ही होगा, लेकिन 0.1 को यदि 0.1 से गुना करोगे तो 0.01 होगा। यह कैसे? पॉइंट के बाद इसके एक अंक और इसके एक अंक, तो कितना अंक मिलेगा? 2 अंक मिलेगा, है ना। इसी तरह से 0.2 को यदि हम गुना करें 0.02 से, 0.02 से तो क्या मिलेगा? 2×2=4 तो होगा ही, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 अंक इसके लिए और 1 अंक इसके लिए, 2 अंक इसके लिए और 1 अंक इसके लिए, यानी 3 अंक चाहिए। तो एक अंक है ये है, 2×0 आपको देना पड़ेगा। अब देखिए यह दशमलव के बाद कितना अंक हो गया? 3 अंक। तो दोस्तों इस तरह से गुना किया जाता है। अब देखिए 0.0005 गुने 0.5 इसको गुना करना है, इसको गुना करना है, तो सीधे आप 25-25 तो करना ही है आपको। ये 2 अंक आया, लेकिन कितना अंक आना चाहिए? 1, 2, 3, 4 अंक इसके लिए और 1 अंक इसके लिए, टोटल कितने अंक? 5 अंक, 5 अंक चाहिए। तो यहाँ 2 अंक है तो 3 अंक और आपको यहाँ पर लगा देना है, यानी 3×0 यहाँ पर दशमलव, यानी दशमलव के बाद 5 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंक हुआ। यहाँ 4 अंक इसके लिए और 1 अंक इसके लिए। यह है दशमलव भिन्न का गुणा। इसे यदि आप समझ गए होंगे तो आगे प्रश्न बनाने में बहुत ही आसान से बन जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से गुणा है, आप समझते हैं इसका जोड़ और घटाव, उसके बाद भाग समझेंगे, ठीक है। दशमलव भिन्न के जोड़ सीख जाते हैं, जोड़। अब देखिए 5 में आपको जोड़ना है दशमलव 5, 5 और उसके बाद जोड़ देना है दशमलव 4, ऐसे जोड़ना है। ये दशमलव 4 है, तो अब बताइए ये 5 है, तो कहने का मतलब कि दशमलव के बाद ये 2 अंक है, तो 2 अंक सभी में कर देंगे दशमलव देने के बाद, यानी 0 लिख देंगे। इसमें भी दशमलव के बाद 2×0, इसमें भी दशमलव के बाद 1×0, 2 अंक इसमें भी हो गया, 2 अंक इसमें भी हो गया और 2 अंक इसमें भी हो गया। इसमें कुछ नहीं है, आगे 0 है। अब जोड़ना है 0, अब 5×0 तो 5, 4, 5×4=9, इधर तो 0 ही है तो 9, दशमलव ये 5 है ना, इधर कुछ नहीं था तो 0 था। इस तरह से आपको जोड़ना है, यानी अधिकतम दशमलव के बाद अधिकतम जितना अंक रहे उतना हमको कर देना है अन्य संख्याओं में दशमलव देने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.254 प्लस 0.324 प्लस 9.1, इतना आपको जोड़ना है, इतना आपको जोड़ना है। तब हमको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद अधिकतम कितना अंक है, अधिकतम 3 अंक है इसमें भी और इसमें भी, तो इसमें कितना अंक है? केवल 1 अंक, तो 2×0 ये इस पर बैठा देंगे, तो ये 3 अंक हो गया, सब कितना अंक हो गया? 3 अंक। अब जो है जोड़ देंगे 0, 4, 4, 8, 0, 2, 5, 5, 2, 7, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 2, 6, ये 3 अंक मिला। अब इसके बाद ये 1, 0, यहाँ क्या था? 9, 9, 1, 10, 0 का तो 0 तो 10, यानी 10 लिखा जाएगा, 10.678। तो इस तरह से आपको जोर भी करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 प्लस
9 + 12 + 3.432। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो ये दोनों तो है, ये दोनों तो है, इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसमें तो पॉइंट है नहीं, तो 12 और 9 जोड़ लेंगे 21, 21, 21 में जो है यह दशमलव के बाद देखना है कि सबसे अधिकतम कितने अंक हैं, अधिकतम 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 0 लिख देंगे। इसके बाद सामने इसको लिख करके जो है जोड़ देंगे। चलिए जोड़ दीजिए, 2 3 4 और 3 1 4 और 2, दशमलव के बाद कितने अंक, 3 अंक, तो 24.432 इस तरह से इसका आ जाएगा। तो जोड़ना है इस तरह से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जोड़ का। 2.22 2.22 2.22। अब इसको जोड़ना है, देखिए इसको जोड़ना है, इस तरह का प्रश्न आते रहता है, तो इस तरह का प्रश्न आता है, तो दशमलव के बाद सबसे अधिक कितना अंक है, 3 अंक है, यहाँ क्या है, 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यहाँ 1 0 बैठाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा, यहाँ 2 0 बैठाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा। आप जोड़ दीजिए, दशमलव के बाद वाला जोड़िए, 0 तो 2, अब 2 2 4 0 यानी 4, 2 2 4 2 6, अब यहाँ 2 2.642। तो इस तरह से आपको जोड़ना है दशमलव भिन्न वाले को, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अब घटाव की ओर चलते हैं, अब देखते हैं दशमलव भिन्न का घटाव। एग्जाम्पल लेते हैं, 4.5 घटाव 3.214 क्या होगा, इतना अगर आ गया तो क्या होगा। दोस्तों दशमलव के बाद सबसे अधिकतम कितना है, 3 अंक, तो इसको भी 3 अंक कर देंगे, यानी 2 0 लिखेंगे तो कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक। अब घटाइए, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 10, यहाँ से पहचान लीजिए, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, अब दशमलव पड़ेगा, अब यहाँ बचा 4 में से 3 जाएगा 1, यानी इतना आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि सबसे अधिक जितना भी अंक रहा दशमलव के बाद उतना 0 बैठा देंगे, यानी उतना अंक हमको लाना है, उतना अंक हमको इधर भी कर देना है और फिर सामने सामने घटा देना है, ये है घटाव। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 9.324 में से घटाना है 3.9645, अब इसको घटाव करना है, कितना आएगा आंसर बताइए। इस तरह से जब घटाव आएगा, अब देखना है दशमलव के बाद ये कितना अंक है, 4 अंक, इसमें कितना अंक है, 3 अंक, इसमें भी 0 लगा करके इसको 4 अंक कर दीजिए। अब सामने सामने घटा दीजिए, 0 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 4 जाएगा 0, 2 में से 6 जाएगा 6, है ना, 2 में से 6 गया था, अब ये जो है 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3, अब ये बचा कितना, बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5.3605 इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको घटाव करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाग, दशमलव भिन्न के भाग देख, तो दोस्तों अब दशमलव भिन्न के भाग समझ जाते हैं, भाग कैसे पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल क्वेश्चन है, 0.002 भाग, यदि 2 करते हैं तो सीधे इसमें से भाग पड़ेगा तो 1 आ जाएगा, यानी 0.1, ठीक है। 0.2 को भाग देते हैं 0.2 से, सीधे 1 आ जाएगा क्योंकि दशमलव से दशमलव कट जाएगा। यदि 0.02 को भाग देते हैं 0.2 को, समझिएगा, अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, 2 अंक है और 1.1 अंक से भाग पड़ेगा तो 1 अंक बचेगा, 1 अंक बचेगा, 2 में 2 से भाग पड़ेगा तो 1, यानी 0.1, एक ही अंक बचेगा। यदि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक से भाग दे रहे हैं, ये कैसे होगा इसको समझिएगा, इसको आप भिन्न में बदल दीजिए, तो 2/100 भाग 2/10, इसको गुना में कर दीजिए, 2/100 गुने 10/2, तो ये 1 0 से 1 0 और ये 2 से 2 कट गया, यानी 1/10 को कितना लिखेंगे, 0.1, यानी 0.1, है ना, इस तरह से आएगा। तो आप समझ लीजिएगा यही कि दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक में भाग पड़ रहा था, 1 अंक गायब हो जाएगा, और फिर भाग देने के बाद जितना आएगा 1 अंक में ही आएगा दशमलव के बाद। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 0.45 को भाग देना है 0.9 से, 0.9 से, अब देखिए यहाँ पर
चूँकि भाग यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक तो कट ही जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो दशमलव के बाद एक ही अंक बचेगा, बचेगा ना। तो 9 5 45 होता है तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। बस कहिए क्यों, क्योंकि ये दो अंक था और एक अंक से हम भाग दिए हैं, एक दशमलव के बाद एक अंक तो कट ही जाएगा, तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जोड़ घटाव गुना भाग आप सीखे हैं दशमलव भिन्न का। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद में आया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले दशमलव भिन्न के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, और वह टाइप वाइज आएगा, तो देखना ना भूलें इसके क्वेश्चन। और इसमें बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे रेकरिंग वाले है ना, दशमलव भिन्न के जोड़ घटाव अलग ढंग का जो क्वेश्चन है उसमें भट वाला आ जाता है, क्या होगा आगे क्या होगा। रिकरिंग वाले संख्याओं का जो है मान निकालना, जैसे अशांत भिन्न को भिन्न में बदलना, भिन्न जो है भिन्न से जो है दशमलव भिन्न बदलना, ये सारा क्वेश्चन आगे आएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।